आप कुपोषण पे बैठे कितना वक्त हो गया है? अभी हमारे को 16 दिन हो चुके हैं। 18 तारीख को बैठे हम, आज 3 तारीख है। विनती करना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनको 2020 के अंदर बोले हैं कि 6 महीने के अंदर निर्णय लो, लेकिन अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया। उनको ये विनती चाहते हैं कि हम कि हमारे जो है हमारी जो दरखास्त है, हमारा जो हमारे लिए ये गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, जीआर बनाया है, वो जीआर के मुताबिक हमारे को न्याय दिलाना चाहिए। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार, मुस्कान शेख के साथ में। आज हम मौजूद है कलेक्टर ऑफिस के पास में, जहाँ पे इन सभी के कार्यकर्ता आज 13 दिन से उपोषण पे बैठे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब को इनकी परेशानी का देखने का ना वक्त मिल रहा है ना टाइम मिल रहा है। आइए भीम शक्ति के कार्यकर्ता से बात करते हैं, उनका उपोषण पे बैठने का क्या कारण है? सर तुमका नाव प्रमुख आहे। गेल्या 1978 पासून सरकारी गायनावरती आम्ही गायन धरण बसलेलो आहे, आणि त्यानंतर 86 पंचनामा झाला। शासनाच्या नियमाप्रमाणे आम्ही 90 पूर्वीचे अतिक्रमण धारक आहेत, आणि आज मी सध्या आमचे पेरलेले ताबा आहे आमचा त्या ठिकाणी, आमचं घर बांधून आमचे सगळे कुटुंब त्या ठिकाणी राहतो, आणि तरी शासनाने या बाबतीत आमचं दखल घ्यावा। आम्ही त्या ठिकाणी गेलेलो नाही, तुम्ही आगाऊ ताबा म्हणून कोणाला जर देत असाल तर आम्ही त्या ठिकाणून काही जरी झालं आमच्या जीवाची पर्वा न करता आम्ही मग शेवटी आम्हाला आत्महत्या करण्याची वेळ येईल। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए एमसीएन समाचार मुस्कान शेख के साथ।